एक बात, शायद बोलो मगन भाई से लिया हुआ पैसा छगन भाई को दे सकते हो, आपका व्यवहार क्या बोलता है? गुरुदेव, मगन भाई से पैसा मिला था, छगन भाई को देने का प्रश्न ही नहीं आता है, मगन भाई को ही देना पड़े। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो चीज आपको पुण्य से मिली वो पुण्य को देते हो कि पाप को देते हो? बस इतना जवाब दो, मिली कहां से? मावी जी, 1+1=2 इतना सीधा साधा मैथमेटिक्स है। आपको यदि आप मानते हो कि पुण्य से ही मिली है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी किसको दे रहे हो, पुण्य को कि पाप को? क्यों? दो चीज, यदि आप पाप को दे रहे हो तो फिर आपको पुण्य से मिला है, ये आपकी श्रद्धा खोखली है, झूठी है। आप भले मेरे सामने बोलते हो बाकी हट दिया, आप नहीं मानते, आप यही मानते हो महाराज साहब मेरी ताकत और बुद्धि से मैंने पाया, पुण्य पुण्य कहां आया? लॉजिक जानना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वाले आपको रोकना पड़े। मैं पालीताना में चातुर्मास था, यशोवी जी श्री महाराज अरविंद श्री महाराज आज माटुंगा में विराजमान है, हाइट पे दोनों आचार्य भगवान। आपकी निशरा में मेरा चातुर्मास था और बड़ेचा परिवार कोल्हापुर वाले आपने चातुर्मास कराया था। ऐसा दृश्य जीवन में देखने को कभी मिलता है तब लगता है कि आदमी क्या ताकत लेकर के बैठता है। ये बात मैं कर रहा हूं करीबन 25 साल पहले की। पाली थाने में जो भी गए उनको मालूम होगा घोड़ा गाड़ी थी, है कि गई है। जयंती में बड़े चा थे, एक दिन वो यशोवी जी पास आकर के आपने कहा कि महाराज साहब एक मन में भाव पैदा हुआ है। क्या भाव? ये पालीताना में करीबन 2-2.5 हजार लोग आराधना कर रहे, चातुर्मास कर रहे, सबकी उपासना की व्यवस्था सब पप पे चल रहा है, मगर मेरे मन में एक भाव है कि घोड़ा गाड़ी वाले जो भी है उन सबका बहुमान करना है। किसका? घोड़ा गाड़ी वाले का। आपको मालूम नहीं होगा पूरा पालीताना उस टाइम एक ही जगह पे पन्ना रूपा के आकर के खड़ा हुआ था और हम टेरेस से वो दृश्य देखते थे, मिरेकल दृश्य। एक एक घोड़ा, 400 घोड़ा गाड़ी वाले, एक एक घोड़ा नजदीक घोड़ा गाड़ी के साथ घोड़ा आया, उनको एक एक को 1.25 किलो गुड़ 1.25 किलो, ये घोड़ा खड़ा है उनके मुंह में 1.25 किलो गुड़, घोड़े के कपाल पे तिलक, घोड़े के गले में माला, रिपीट 1.25 किलो गुड़, घोड़े के गले पे तिलक, इनके गले में माला। और जैसे ही घोड़ा थोड़ा आगे चला, घोड़ा गाड़ी वाले को 1 किलो मिठाई। ये 400 घोड़ा गाड़ी वाले और वो दृश्य देखा मेरे, हम सब हैरान थे और लगा कि ये घोड़ा गाड़ी का, घोड़े का बहुमान, घोड़ा गाड़ी वाले का बहुमान, अभी देखो इनके पीछे सोच क्या थी। मैंने जयंती भाई को पूछा, जयंती भाई बहुत बहुमान देख लिए मगर घोड़ा और घोड़ा गाड़ी वाले का बहुमान तो पहली बार देख रहा हूं। और पालीताना में जो वृद्ध पुरुष थे उनको भी पूछा, महाराज साहब हमने 70-80 साल 90 साल की उम्र में कभी घोड़ा और घोड़ा गाड़ी का बहुमान हमने कभी देखा नहीं। तो जयंती भाई को मैंने पूछा कि जयंती भाई ये मन में सोच आई इनके पीछे राज क्या है? और इनका यही कहना था, महाराज साहब आज तक पालीताना में लाखों यात्रिक आए, हर यात्रिक स्टेशन पे या तो धर्मशाला में उतरे और हरेक यात्री को तलेटी तक ले जाने का पुण्य ये घोड़ा और घोड़ा गाड़ी वाले ने किया है। हमको लगा इसके लिए उनका बहुमान करना चाहिए, लाखों लोगों को तलेटी तक जो लेके गया वो घोड़ा और घोड़ा गाड़ी वाला, उनका बहुमान करूंगा, लाखों लोगों ने जो यात्रा किए उनका पुण्य मुझे मिलेगा और इसलिए घोड़ा और घोड़ा गाड़ी